अभी इस पूरे मसले पर हम बीजेपी से जानने की कोशिश करेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे अपोजिशन के लोग जुड़े थे जिन्होंने कहीं ना कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का दबी जुबान से जो है वो विरोध किया है, और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर ये लगाया है कि बीजेपी ने जो टाइमिंग चुनी है वो गलत चुनी है। लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में, इस समय कम से कम ऐसे विवादित मुद्दे जो हैं वो कम से कम बीजेपी को इस समय नहीं लाने चाहिए थे। इस पर आपका कहना है? देखिए, ऐसा है कि यही विडंबना है कि अपोजिशन जी वो तो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जो विलय है महाराज हरीश सिंह ने किया, उनके लिए भी ये भी उनके लिए विवादित मुद्दा है जी। 24 साल की तो बात छोड़िए जी, तो यही तो विडंबना है। 72-73 साल से यही करते आए हैं जी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने जो है गुमराह करके रखा है। कश्मीर के लोग समझने लगे हैं इनकी जो इनका जो लोगों को जो बेवकूफ बनाने वाली जो राजनीति थी जी जी, इसके राजनीतिक बेटियों को फेंकना था, ये अभी लोगों को समझ आ रहा है जी। यहाँ तक रही डोमिसाइल की बात जी, और COVID-19 के वक्त इसके आने की बात, अरे भाई क्या जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है, जो लोगों को जो डिफरेंट बेनिफिट्स मिलने हैं यहाँ के बाशिंदा होने के नाते, यहाँ के डॉक्टर होने के नाते, उनको रोकना चाहते हो जी। एक जो है यहाँ पर जो एक नई व्यवस्था बनी है जी, और डोमिसाइल का इन अपोजिशन को तो पता ही नहीं था। मैं पहला व्यक्ति था जिसने 9 अगस्त को ये कहा था 2019 को कि डोमिसाइल होना चाहिए हिमाचल या फिर उत्तराखंड या इसी के का होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जो है नौजवानों को नौकरियों और जमीन में जो एक इनके द्वारा जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि वो चली जाएंगी, उसके बाद अल्टीमेटिव के तौर पर जबकि सब्जेक्ट समाप्त हो गया जी, तो उसका इस समय इसका करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए नौकरियां निकलेंगी, स्टूडेंट्स को रोल लगना है, उनको एडमिशन लेनी है, आदि सेंट्रल रिसोर्सेज में लोगों की भर्ती होनी है, कई प्रकार के डोमिसाइल जो है उसके रेजिडेंट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक था और हमारी सरकार ने केंद्र जो है ये किया है जी। इसी बात है कि सेल सब्जेक्ट के साथ आप जो जोड़ते हैं, अरे भाई जो है जब तक डोमिसाइल नहीं बनेगा तो वो जो सेल सब्जेक्ट हमने ये भी डिमांड की है कि जब तक वो डोमिसाइल पूरी तरह लागू नहीं होता या लोगों का बनता नहीं, तब तक सेल सब्जेक्ट है वो एक प्रूफ है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रेजिडेंट है उसको जो है माना जाए, तब तक डोमिसाइल के सर्टिफिकेट पूरी तरह लागू नहीं हो सकता जी। सर, लोगों के मन में भी ये भ्रम है, चाहे किसी ने भी फैलाया है कि बाहर के लोग जो इस डोमिसाइल का फायदा लेके नौकरी ले लेंगे, स्टेट के बाहर के लोग, उसके आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देते जी। यही अफसोस की बात है कि ये अपोजिशन लोगों को बेवकूफ बनाने का ही काम करती है जी। अरे भाई, ये 15 साल का वहां प्रावधान है जी, 15 साल तक जो रहेगा, अगर किसी ने फोर्थ क्लास की लेनी है, फोर्थ की लेनी है, कोई भी लेना, 15 साल यहाँ रहना पड़ेगा जी यहाँ, तो उसके बाद ही आएगा क्या? हाँ, जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर जो है 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जिनको आपने 72 साल उनको टांगे रखा, बिल्कुल ठीक है, 72 साल चार तीन में हो गई है जी, ठीक है, आपने उसको हक नहीं दिया जी। आप यहाँ से वाल्मीकि है, 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, ये शेड्यूल कास्ट की बात, 80% वो शेड्यूल कास्ट जी, उनको जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको हक दिया है जी। वहाँ पर जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारी के तौर पर यहाँ पर लाए थे जी, ठीक है, और शेख अब्दुल्ला के वक्त भी आए जी, आज तक उनके बच्चों को आपने हक नहीं दिया, उनको गुना किया। आप मध्यकालीन जो कानून है, चाहे मिडिल ईस्ट में चलने वाला कानून है या सुल्तानों के वक्त कानून चलता था, उसको लागू रखा आपने, इनको नहीं दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है जो गुरखा है वो यहाँ पर आए हैं, टीटीटीओ से रह रहे हैं, उनको आपने हक नहीं दिया जी। अरे भाई, आपने तिब्बत से जो मुस्लिम आए थे उनको तो शेख अब्दुल्ला ने यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट दे दिया जी, तिब्बत से जो भारत के जो है नागरिक भी नहीं थे, ओके उनको दिया, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो
अब जो है एक मेजोरिटी जो हिंदू जो उनका करते थे उसमें उसमें विश्वास करते थे। okay. अरे भाई आप तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन्स पर ये चलता रहा है जी, और आप कहते हो आज आज वो सारी चीजों को पूरे हक मिले हैं, यहाँ की बेटियां बाहर शादी होती जी ठीक है, उनका हक आपने मार दिया, स्टेज से बांटे कि टिल मैरिज। अरे भाई क्या क्या पूरी दुनिया में ऐसा कानून कहीं नहीं है, खासतौर पर जो है जहाँ डेमोक्रेसी है इस प्रकार का कानून नहीं है, आपने उनके हक मारे। हाईकोर्ट के डबल बेंच का इसका जो है निर्णय दिया वक्त में बच्चों के उनके उनके लड़कियों के जो डॉक्टर्स ऑफ द सॉइल थी हटा दिया, आपने यहाँ पर वहाँ बिल लाए थे जब कांग्रेस की सरकार थी और दहशत काफी मिली जुली सरकार जी, लोक हाउस में जो असेंबली इसको पास कर दिया था, तो मैं स्टेट पर से प्रधान था तब मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, वैकैया जी तब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा तो ये बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया उसके बाद वहां पर रुका, और ये 2004 के इलेक्शन जा रहे थे जब सोनिया जी को लगा कि ये जो महिलाओं के वोट हमारे अगेंस्ट जाएंगे पूरे देश में मुद्दा बन गया, तो फिर जो इन्होंने अपर हाउस में आप निकाल लिया रिकॉर्ड असेंबली का जी, लो हाउस में पास कर दिया। अरे ये राजनीति करते हुए ये राजनीति किया लोगों से जो है क्रिमिनल राइट को डिवाइड करना, गरीबों को शेड्यूल कास्ट का व्यक्त पाकिस्तान में रिफ्यूजी शेड्यूल कास्ट नहीं है जी, क्या वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट नहीं है जी, तो उनको हक नहीं मिलना चाहिए था। पाकिस्तानी जहाँ आपके यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ पर जो है बठिंडी के पास उसने मकान बना लिया था, बाद में निकला था कि पाकिस्तानी क्या रहने वाला था, यहाँ पे उनके फिर सब्जेक्ट बना दिया जी, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो जो है कोविड के समय जो है कोरोना के वक्त ये किया है जी। अरे भाई कोरोना के वक्त क्या लोगों को हक दिया है, तो ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकार की जो एफिशिएंसी है तो इसके सारे क्राइसिस में भी उन्होंने लोगों को नौजवानों को स्टूडेंट्स के हक के लिए डोमिसाइल वाला जो पूरा रूल पास किया है कानून पास किया है उसको लागू करने का, तो हमने ये डिमांड की है, मैंने आज भी स्टेटमेंट दिया, मैंने ये डिमांड की है कि जब तक नहीं बनते स्टेट सब्जेक्ट को ही उसको माना जाए तब तक। ओके तो मतलब जिन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट है उनको डोमिसाइल बनवाना ही पड़ेगा। अरे अल्टीमेटली तो क्योंकि डोमिसाइल जो है वो तो एक फॉर्मेलिटी है okay. क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो यहाँ का रहने वाला है जी। ठीक है लेकिन उसको क्या जो फॉर्म भरना पड़ेगा तो वो ठीक है मैं रूटीन में जब उसके वक्त में बन जाएगा क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो रिडंडेंट हो गया ना जी। तो वो जो एक हमारा था पुरानी चीज तो क्यों ढोएंगे हम उसको। सर एक और सवाल था जो किसी सोशल एक्टिविस्ट ने हमारे प्रोग्राम में सुनील डिंपल जी उन्होंने उठाया था कि ये फिर से लोगों को लाइन में लगवाएंगे स्टेट सब्जेक्ट जो खत्म हो जाएगा डोमिसाइल बनाने के लिए, तो उसमें उसमें आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि जल्दी बन जाएगा जो उसकी प्रक्रिया आसान रहेगी बनाने की। देखिए जब तक नहीं बनता है तब तक स्टेट सब्जेक्ट या और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो उसको लागू किया जाए, ये हमने भी मान जब तक नहीं देखा तब तक उसको माना जाए जी। ठीक है जब वो इन द प्रोसेस क्योंकि जब वो मन जाएगा क्योंकि कल को स्टूडेंट्स की बच्चों की एडमिशन से होनी है जी जी। कल को नौकरियों में अप्लाई करना तब तक उनके लिए एक प्रूफ होना चाहिए कि जहाँ पर रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओके ठीक है, तो स्टेट सब्जेक्ट उसके लिए वो एक प्रूफ हो सकता है ओके, लेकिन फाइनली वो नया कानून के मुताबिक वो इंप्लीमेंट होना चाहिए वो होगा ओके। उसके लिए कितना डोमिसाइल बनने के लिए 6 महीने लगते साल मिलते टाइम लगे जब भी लोगों को फुर्सत मिले वो बना लें ओके। और मैं ये भी मैं ये कहूंगा गवर्नमेंट को जब भी ये हालात तो ठीक होते हैं स्पेशल जो कैंप्स लगा के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए मैं मांग करता हूँ ओके। तो जो लोगों के मन में जो शंका है कि बाहर के लोग आके नौकरी लेंगे वो कितने सिक्योर है, वो जॉब्स कितने सिक्योर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे लोगों सामने बातचीत की देखो ना उनको बेस्ट रिफ्यूजी और इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दबी जवान में इसका समर्थन कर रहे हैं हालांकि वो अपनी सरकारों में कभी भी इसको ला नहीं पाए। कौन आएगा कौन लेगा 15 साल से 14 साल से अगर रह रहा है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा ओके। और 15 साल तक रहता तो उसका हक बनना ही चाहिए ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक जाके बाकी देश के हिस्से में जाके लगातार जैसे मैं पंजाब में आता 6 साल का वहां था जी, तो 6 साल के बाद मैं वहां जमीन ले सकता था वहां के पूरे 2 साल के हक मुझे मिल सकते थे बिल्कुल, क्योंकि वहां हो सकता तो यहां में क्या दिक्कत है, लेकिन यहां पर सिर्फ फोर्थ क्लास की नौकरी लेने के लिए थोड़ी ना आएगा 15 साल रहेगा बिल्कुल, लेकिन अगर वो यहां पर है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 15 साल लगातार यहां पर है जो यश पाकिस्तानी रिफ्यूजी है जो वाल्मीकि है जो यहां से 15 साल से ज्यादा रह रहे हैं या बाकी लोग हैं
अगर है तो वो भारत का या है नहीं है, यदि भारत है तो उसमें भारत में जो कानून है उसी का यहाँ लागू करे, तो मुझे लगता है उसके लिए हमें कोई वो नहीं करना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, तो वैसे यहाँ तो हमें बाकी स्टेटों में जाके बाकी देश में जाके हमें नौकरियों को मिल रहा है। जी सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे क्लैरिफाई कर दिया हमारे दर्शकों के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 4G आप लोग इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में नहीं कर रहे हैं इस COVID-19 के वक्त भी, कि लोग जो है ऐसे मुद्दों पर प्रोटेस्ट करेंगे और ये जल्दी फैलता है क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो इसलिए आप लोग 4G जम्मू कश्मीर में ला नहीं रहे हैं, अड़चने लगा रहे हो, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए जो 4G इंटरनेट को जो पहले बिल्कुल रोकना और उसका ऐसा ऐसा उसको जो खोलना जो है ये स्ट्रैटेजिक मुद्दा है। ओके, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है। जी ठीक है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली जब सरकार को लगेगा खोलेगी, लेकिन आज भी इंडियन एक्सप्रेस में राम यादव जी का जो है एक लेख आया है जो हमारे महामंत्री अखिलेश आया, इस प्रकार खोलने की बात उन्होंने सुझाव दिया है। ओके, मैंने भी आपको याद होगा मैंने भी सुझाव दिया था, मैंने भी ट्वीट करके सुझाव दिया था। जी, हाँ, उस समय मैं सोशल आइसोलेशन के बाद ये खोला जा सकता है, लेकिन फाइनली जो फैसला करना है वो करना है सरकार को। जो स्ट्रैटेजिस्ट है इस प्रकार की जो एक प्रॉक्सी वार में लड़ने वाले जो लोग हैं, चाहे वो आर्मी है चाहे वो पुलिस है सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो लोग हैं जो इस प्रकार की जो डील कर रहे हैं, उनको देखना कि इससे खोलने से कहीं ऐसा ना हो इससे लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाए, गोली चले और पाकिस्तान यही तो चाहता है। ओके, क्योंकि जब कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो इस प्रकार के उनको मिसयूज हुआ पहले भी होता रहा, उसको रोकने के लिए जो है इस प्रकार के मिशन किए गए, जिसका लाभ यही हुआ कि आज एक भी व्यक्ति को जो है जो गोली भी करनी पड़ी ऐसे, वो तो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान। ओके, ठीक है ना, जब इस प्रकार की बात होती तो वो इंटरनेट के ऊपर लोगों को कॉल किया जाता था और उसके बाद सारा जो प्रोटेस्ट होता था गोली चलती थी तो वो सारा फिर मल्टीप्लाई करता था। जी ठीक है, तो इसको रोके, लेकिन आप देखिए लगभग 2 साल होने लगे हैं और बड़े बड़े टेस्ट मारे जा रहे हैं तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तो अगर एक बड़े काज के लिए लार्जर काज के लिए उसमें वो लोग जो प्रोटेस्ट है जो गुमराह होके या इनके इशारे पर जो है जाते थे और इकट्ठे होते थे और पथराव करते थे, गोली चलती थी डिफेंस में हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग पुलिस करती थी हमारे जाते थे और ये जो है इनको पाकिस्तानियों को या जो टेररिस्ट थे उनको जो मौका मिल जाता था लोगों को दुनिया में बताने के लिए उसने लोग मारे गए, क्योंकि 2 साल से कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर 4G या इंटरनेट को बंद करने का लाभ ही हुआ है, आने वाले वक्त में आप देखें जैसे 2G शुरू हो गया आने वाले वक्त में 4G भी शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारा मानना है जैसे मैंने व्यक्तिगत मानना है मैंने पहले भी कहा था आज जैसे राम यादव जी ने भी इंडियन एक्सप्रेस में क्लिक करके किया है खोलने की खोला जा सकता है, एक फाइनल सवाल जो है गवर्नमेंट के। जी सर, COVID-19 का इस समय दौर चल रहा है, पूरी महामारी फैल चुकी है, इस समय प्रशासन का कार्यकाल कैसा रहा, प्रशासन ने कैसा काम किया जम्मू कश्मीर में इस दौरान, और लोगों से क्या अपील, आप आज की डेट में क्या अपील करना चाहोगे, लोगों का कैसा सहयोग रहा? देखिए लोगों ने बहुत सहयोग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से पहले लोगों को कहा कि सेल्फ इम्पोज जो है कर्फ्यू लगाया लोगों ने, उसके बाद लगातार जो इस प्रकार से जो ये हो रहा है सारा लॉकडाउन हो रहा है, लोगों ने बहुत सहयोग किया है, कुछ लोगों ने बेवकूफी जरूर की जिसका असर जो है कश्मीर में भी हमने देखा किस प्रकार से लोग जो है तबलीग वाले जो लोग हैं उन्होंने किया, फिर भी सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है। हाँ हाँ, अपोजिशन ने उसका भी मुद्दा बनाया, आप देखिए तीसरे दिन तो लोगों को मैं कहूंगा तो इससे जो अपोजिशन जो है उसको एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी इतना बड़ी महामारी को भी एक्सपेक्ट कर रही है अपने राजनीतिक उद्देश्य से जिसमें वो ना है, इस प्रकार से सरकार कर रही है उनकी इंस्ट्रक्शन पर जो है हम चले, ये हम सभी के हित में है क्योंकि ये महामारी इससे साल हमें रहना पड़ेगा, वैक्सीन भी बनती और आने वाले वक्त में भी ये इसी प्रकार की जो है हमें जिंदगी का भी अपना व्यवहार बनाना पड़ेगा, तो उसके साथ जो है हम जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें सरकार के साथ।
जहाँ तक यहाँ के प्रशासन का है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है जी। और ऑफिस लगे हुए हैं, हमने अपने पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उनको जो हमने एप्लीकेशन लेटर्स भी दिए हैं, काम के सरकार के साथ जो लगातार कंधे से कंधा मिलाते हम चल रहे हैं। तो सभी लोगों को एप्लीकेशन को भी बाकी लोगों को मुद्दे न उठाते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए और प्रशासन का मैं एप्लीकेशन करूंगा। हाँ, कुछ जगह जो कोऑर्डिनेशन में कमी आई है, हालांकि किसी को इतना बड़ा जख्म आ गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं बाहर हैं जाने की बात थी, फिर क्वारंटाइन सेंटर में बिल्कुल अपेक्षा करते हैं क्योंकि गर्मी में उनको आ रही है, साथ ही हम जो भी ध्यान में आता है उनको ध्यान में लाते भी हैं। दिल्ली लेवल पर भी जो है हमने जो वहाँ पर हेल्पलाइन करी है, जो ऑफिस रहते हैं उसको भी कोऑर्डिनेट करके जो बाकी वहाँ बाहर से स्टूडेंट्स को लाना, प्रवासियों को लाना, बाकी लोगों को लाना हम कर रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए कि हम तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक तरीके से सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हमें दिए, और उन्होंने अपोजिशन पर ही राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ काम करती है, बीजेपी राजनीति नहीं करती है और हमेशा जो है वो जनता की आवाज उठाती है, और कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ ये मुद्दा जो है इसको वो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अब सॉल्व कर दिया है, तो इसी वजह से जो अपोजिशन है वो तिलमिलाई हुई है। तो यही सब कहना था हम डॉक्टर निर्मल सिंह जी का। और दर्शकों, आपको आखिर में हम एक अपील करना चाहेंगे कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, आप सभी लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन की मदद करें, सरकार की मदद करें और घर से ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हमें दीजिए इजाज़त, हम ऐसे ही और मुद्दे लेकर आपके सामने आते रहेंगे ताकि जो भी जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय, कोई भी मुद्दा बना हुआ है जिसका सीधा सीधा जनता से सरोकार होगा, हम ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। आप जेके खबर नाव का फेसबुक पेज जरूर लाइक करिए, हम आप हमें यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप हमारे वेब पोर्टल jkkhabarnow.com पर भी जाकर ताज़ा तरीन खबरें जो हम वो देख सकते हैं। नमस्कार।